नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, फ्यूचर मेकर की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आजकल जो न्यूज़ में आ रहा है फ्यूचर मेकर की, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि आजकल लेटेस्ट क्या चल रहा है और क्या कुछ घटित हो रहा है, कब की नेक्स्ट डेट है उसके बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो फ्यूचर मेकर लाइफ केयर लिमिटेड के जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके थ्रू चल रही है कि उनके जो सीनियर लीडर हैं उनकी कॉल पिकअप या कॉल रिसीव नहीं कर रहे। तो उसमें बताया गया है, फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के CMD राधेश्याम की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद से ही अधिकांश लीडरों के फ़ोन बंद आ रहे हैं। कभी बड़े बड़े सेमिनार में बुलाने और लोगों को प्लान बताकर आर्थिक उन्नति से जोड़ने वाले कुछ लीडर CMD की न्यायिक प्रक्रिया में विभीषण के बाद अब डिस्ट्रीब्यूटर के लिए दगाबाज साबित हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटरों से निवेदन है कि इस तरह की बात ना फैलाएं, क्योंकि जो लीडर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सॉल्यूशन हो जाए और जल्द से जल्द CMD बाहर आए और फिर से कार्य शुरू हो सके। कुछ लीडर हो सकते हैं जो ना करना चाहते हो बात पर, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि लीडर जल्द जब भी सॉल्यूशन होगा आपसे ज़रूर बात करेंगे। दोस्तों, इसमें बताया गया है, सूत्रों के मुताबिक फ्यूचर मेकर के CMD की दो दो मामलों में जमानत हो चुकी है। वहीं हरियाणा में 6 नवंबर को सुनवाई होगी, जिसको लेकर देश भर में फैले डिस्ट्रीब्यूटर आस लगाकर बैठे हैं। माध्यम एवं हाल ही में जुड़े डिस्ट्रीब्यूटरों का दर्द की है कि उनके लीडर जानकारी नहीं दे रहे, जिससे अविश्वास का माहौल बन रहा है। हालांकि अधिकांश मामलों में फ्यूचर मेकर कंपनी को राहत मिली है, लेकिन बीतते समय और लीडर डिस्ट्रीब्यूटर संवाद में दूरी होने से फर्जी सूचनाओं का संप्रेषण होने लगा है। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पूर्व नासिक एवं शनिवार रविवार को जयपुर में CMD को जांच के लिए ले जाया गया था। देश भर में CMD की जमानत को लेकर कंपनी के शुरू होने की प्रार्थनाओं का दौर अब भी जारी है। उधर इंदौर में आयोजित एक मीटिंग नहीं हो पाई। सूत्रों के मुताबिक न्यायिक प्रक्रिया को समझने वाले धुरंधरों ने शपथ पत्र एवं संबंधित विभाग को ईमेल आईडी पर कुछ कार्रवाई का सुझाव दिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर हुए एक मैसेज ने डिस्ट्रीब्यूटरों के एकत्रीकरण को रोक दिया। इसके बाद दोस्तों, फ्यूचर मेकर पर कार्रवाई के बाद भी देश भर में सैकड़ों कंपनियां इसी तरह के प्लान के साथ चल रही है। फ्यूचर मेकर के डिस्ट्रीब्यूटर आपस में चर्चा करते नज़र आ रहे हैं कि यदि फ्यूचर मेकर चिटफंड है तो अन्य ऐसी कंपनियां क्यों चल रही है, काश सभी जगह कमिश्नर सजनागर ही होते। सनद रहे, देश में अनेकों कंपनियां फ्यूचर मेकर की तरह प्लान पर कार्य कर रही है, लेकिन टारगेट पर सिर्फ फ्यूचर मेकर ही क्यों लिया गया, यह सवाल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में कूंद रहा है। लोकहित को मिली जानकारी के अनुसार 6 बड़े लीडर ने अन्य कंपनियों का दामन थाम लिया है। तो दोस्तों, अन्य कंपनियों का दामन थामने का मतलब है जो कंपनी जिस कंपनी के साथ वो कार्य कर रहे थे वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए हैं, जो कि विभीषण का काम कर रहे हैं। अपनी पुरानी कंपनी जो मातृभूमि को छोड़कर जाना बहुत ही गलत बात है। इसके साथ ही दोस्तों, एक और न्यूज़ आ रही है, 5 नवंबर को तेलंगाना पुलिस लेकर जाएगी। साइबराबाद सिटी पुलिस ने फ्यूचर मेकर कंपनी के CMD राधेश्याम सहित अन्यों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। 2 मामलों में जमानत मिल चुकी है, जबकि अन्य मामलों में गिरफ्तारी एवं तफ्तीश के में शामिल करना रहता है। ऐसे में तेलंगाना पुलिस ने आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर हासिल करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए 5 नंबर का वारंट जारी हुआ। तो दोस्तों, फ्यूचर मेकर कंपनी के CMD श्री राधेश्याम जी को फिर से तेलंगाना जाना पड़ सकता है, ऐसा ये इस न्यूज़ में बताया गया है। तो दोस्तों,
लेटेस्ट न्यूज़ के लिए फ्यूचर मेकर की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ है उसके लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल में जय फ्यूचर मेकर और जय राधेश्याम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।